ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर को फ्री करने के बाद आरबीआई बैंक ग्राहकों को एटीएम चार्जेस पर राहत देने की तैयारी कर रहा है। जी मीडिया की एक्सक्लूसिव खबरों के मुताबिक आरबीआई अगले महीने एटीएम चार्ज घटा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एटीएम चार्ज पर बनाई गई कमेटी अगले महीने रिपोर्ट सौंप सकती है। सूत्रों का कहना है कि एटीएम चार्जेस को पूरी तरह खत्म करने के बजाय इसे कम किया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं zeebiz.com के संवाददाता शुभम शुक्ला से। शुभम, पहले तो बताइए कि क्या है ये पूरा मामला? ये मामला ये है कि एनईएफटी और आरटीजीएस चार्ज को खत्म करने के बाद अब बैंक ग्राहकों को एक और बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी है। एटीएम चार्ज को घटाया जा सकता है। पहले बातचीत ये आ रही थी कि इसे पूरी तरह खत्म किया जाएगा। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में अपने इसका अंदेशा जताया था कि इसको भी खत्म किया जा सकता है, जैसे एनईएफटी और आरटी को खत्म किया गया था। लेकिन जानकारी मिल रही है वो ये है कि इसको कर कम किया जा सकता है। अभी एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक जो हैं वो 20 रुपए तक चार्ज वसूलते हैं दूसरे बैंकों के एटीएम से पैसा निकालने पर। लेकिन अब इसे घटा करके 15 रुपए या हो सकता है उससे भी बड़ी कटौती आपको देखने को मिले, तो ये किया जा सकता है। दरअसल एक कमेटी बनाई गई थी जिस कमेटी को इन चार्जों की समीक्षा करनी थी। उस समीक्षा में कुछ सुझाव उन्होंने तैयार किए हैं। सूत्रों से हमें पता चला है ये सुझाव अभी आरबीआई को सौंप दिए गए हैं। हालांकि फाइनल रिपोर्ट इस पर आनी अभी बाकी है, तो अगले महीने अगस्त में इसका ऐलान हो सकता है, आरबीआई इस पर कोई अंतिम फैसला ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जमा पर ब्याज घटाने का ऐलान किया है। एसबीआई ने रिटेल और बल्क दोनों डिपॉजिट पर रेट कम किया है। रिटेल डिपॉजिट पर 0.2% की कटौती की है, वहीं रिटेल बल्क जमा पर दरों पर 0.35% की कटौती की है। मतलब अब आपको आपके बैंक में जमा पैसे पर कम ब्याज मिलेगा। बैंक के मुताबिक 1 अगस्त से जमा पर घटे हुए ब्याज की नई दरें लागू होंगी। इससे बैंक में एफडी कराने वालों की कमाई घटेगी, लेकिन जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके लिए आगे सस्ते कर्ज की गुंजाइश पैदा हो सकती है। स्टेट बैंक के ब्याज दरें घटाने का मतलब है कि जिन बैंकों के पास पर्याप्त नकदी है वो भी आने वाले दिनों में जमा पर और कम ब्याज देने वाली स्कीम ला सकते हैं। कार, स्कूटर या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि सरकार गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार की कोशिश ई व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की है, इसलिए पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाई जा सकती है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस में ये बढ़ोतरी 2 गुना से लेकर 10 गुना तक हो सकती है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें ई व्हीकल्स पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेने का प्रस्ताव है। सरकार ने इस ड्राफ्ट पर 1 महीने में सभी पक्षों से राय मांगी है।